राजधानी भोपाल में 25 अप्रैल के बाद 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इस बार पहले से ज्यादा सख्ती सड़कों पर देखने को मिलना शुरू हो गई है। राजधानी के कई चौराहों पर पुलिस अनावश्यक घूमने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई कर रही है, साथ ही बेवजह घूमने वालों को घर भेज रही है। वहीं हमारे संवाददाता अमीन बेग ने पुलिस के चेकिंग अभियान का जायजा लिया है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सड़कों पर अब सख्ती देखने को मिल रही है। पहले आसानी से लोग आ जा रहे थे, लेकिन अब जो 3 मई तक का जो लॉकडाउन लगाया गया है उसमें पुलिस ने भारी सख्ती कर दी है। आप ये देख सकते हैं, भोपाल का बोगदा पुल का ये इलाका है जहां पर सभी गाड़ियों को रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ऑफिसर्स को छोड़ के बाकी किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। आप देखिए, ये बैरिकेडिंग कर दी गई है सभी गाड़ियों को, चाहे वो बस हो चाहे वो दूसरी गाड़ियों, हालांकि एम्बुलेंस जो है वो आसानी से निकल सके इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा पूरी तरीके से लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही प्रदेश को संबोधित किया था और कहा था कि लोग घरों पर रहें, घरों पर रहकर ही सुरक्षित रहें। ऐसी परिस्थितियों में ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि ऑक्सीजन गाड़ी है वो भी यहाँ से गुजर रही है।